हाय एंड वेलकम टू नॉलेजिस्ट। नॉलेजिस्ट में आप सभी का स्वागत है। क्विक सेशन आप लोगों के लिए एक्सपेक्टेड कट ऑफ आरआरबी पीओ 2021-2022 सेशन इज बाइलिंगुअल, सो नॉन ऑफ आवर कैंडिडेट्स, नॉन ऑफ आवर स्टूडेंट्स विल फेस एनी इशू इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन। सो आज के इस सेशन में हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ, लास्ट ईयर कट ऑफ, फैक्टर्स डिसाइडिंग कट ऑफ एंड एवरीथिंग स्टेट वाइज। So stay tuned, stay subscribed. If you have not subscribed us yet, kindly subscribe us now. In Knowledgist, we are running banking classes for every student preparing for any type of bank exam. So let's begin in. Let's start. So this is IBPS RRB PO 2021 prelims expected cutoff. Okay. So let's begin in. सो फैक्टर्स दैट डिसाइड द कट ऑफ, फैक्टर्स अफेक्टिंग कट ऑफ। कौन से फैक्टर्स होते हैं जो कट ऑफ को डिसाइड करते हैं? नंबर ऑफ वैकेंसी, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड एंड लेवल ऑफ एग्जाम। लेवल ऑफ एग्जाम तीन टाइप के होते हैं, ठीक है, इजी, मॉडरेट, टफ, राइट। दीज आर द थ्री टाइप्स ऑफ, थ्री way we decide the level of exam. Number of candidates applied, this remains more or less same every year. Number of vacancy, in some states it has increased drastically, in some states it has decreased drastically. कुछ स्टेट ऐसे हैं जहाँ पे इंक्रीज हुआ है और कहाँ पे डिक्रीज भी हुआ है, बट समटाइम्स कट ऑफ ऑल्सो चेंज लुकिंग इन टू लेवल ऑफ एग्जाम, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अप्लाइड। सो लेट्स बिगिन इन, लेट्स लुक इन टू इट एंड व्हाट इज द गुड अटेम्प्ट। और एक चीज़ गुड अटेम्प्ट क्या है इस एग्जाम में, रीजनिंग 28 to 35, क्वांटिटेटिव 19 to 26 एंड टोटल 47 to 63 इज ए गुड अटेम्प्ट इन दिस प्रीलिम्स एग्जाम। 47 से 63 तक का अटेम्प्ट इस एग्जाम में बहुत ही अच्छा है, और रीजनिंग 28 से 35 और क्वांटिटेटिव 19 से 26। तो चलिए देखते हैं स्टेट वाइज कट ऑफ। और आज के इस टेबल में, हाँ, आपको ये इसका पीडीएफ हमारे एक्सक्लूसिव टेलीग्राम ग्रुप नॉलेजिस्ट पर मिल जाएगा, जिसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन पर अवेलेबल हैं। और रेस्पेक्टिव क्लासेस के लिए रेस्पेक्टिव ग्रुप्स हैं, जैसे एसबीआई पीओ क्लासेस, आईबीपीएस आरआरबी ग्रुप हमारे डेडिकेटेड टेलीग्राम चैनल्स हैं। तो आंध्र प्रदेश में देखिए 165 वैकेंसी वाज देयर, कट ऑफ इज लास्ट ईयर 52.75, दिस ईयर इट हैज़ इंक्रीज्ड, तो सो कट ऑफ, बट स्टिल वी आर लुकिंग इनटू the other factor. So the expected cutoff for the state stands somewhere around 57, but as we have mentioned here, the final figure could go ±3. So this is for state of Andhra Pradesh. Assam 122, there is a slight increase in number of vacancies, last year 41, this year it can go up to 52. Bihar 141, vacancies are more or less same, so it could go 48 to 55 this year. Chhattisgarh 104, there is a 40% reduction in the number of vacancy. Chhattisgarh में 104 में से कम होकर 65 वैकेंसीज हैं, लास्ट ईयर 43 कट ऑफ था, तो इस बार 53 कट ऑफ होने के आसार हैं। गुजरात 250 वैकेंसीज लास्ट ईयर, दिस ईयर 244, तो वैकेंसी बट कट ऑफ शुड रिमेन अराउंड 60। हरियाणा कट ऑफ एट 59, हिमाचल प्रदेश कट ऑफ एट 58, जम्मू एंड कश्मीर कट ऑफ एट 57, झारखंड कट ऑफ एट 58, कर्नाटका एट 55, केरला एट 65, मध्य प्रदेश एट 53, महाराष्ट्र एट 52 and some more states, Odisha at 67, Puducherry at 63, Punjab at 63, Rajasthan 68, Tamil Nadu 55, Telangana 57, Uttar Pradesh 48, Uttarakhand the cutoff is around 61. So this is a more or less, this could differ, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है, बट ये फाइनल एनालिसिस है, बहुत सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए हमने बनाया है। अगर अब तक आपने नॉलेजिस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर लीजिए, और बहुत जल्दी 7 दिन के अंदर लॉन्च हो रहा है हमारे फाउंडेशन कोर्स, जो आपको किसी भी बैंक पीओ और क्लर्क एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। इन विद इन 7 days वी आर गोइंग टू लॉन्च the foundation course for all of our students. This will be very helpful for anyone preparing for PO and clerical exam in banking. So thank you being with us, thank you for being with Knowledgist. If you have not subscribed us yet, kindly subscribe now. Thank you, thank you everyone.